बागेश्वर नगर पालिका द्वारा बाहर से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए लगाए गए कूड़ादान अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किए जा रहे हैं, जिसे नगर पालिका को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि वह इस संबंध में पुलिस को सूचित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वह घरों का कूड़ा इन कूड़ेदानों में न डालें। नए कूड़ादान सिर्फ पर्यटकों की सुविधा के लिए लगाए गए हैं। देखिए, जो हमने स्टील के कूड़ेदान लगवाए थे, इसमें हमने काफ़ी लोगों को बताया भी था कि ये क्या घर का कूड़ा डालने के लिए नहीं है, बल्कि जो हमारे शहर में बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो लोग ढूंढते रहते हैं कहीं ऐसी चीज़ मिले जहाँ कि हम अपना कम से कम कूड़ा सुरक्षित रख सकें, उसके लिए हमने ये लगाया था। लेकिन ये देखने में आया है, मेरे संज्ञान में आ गया था कि कुछ अराजक तत्वों ने कुछ तो कूड़ेदानों को क्षति पहुँचा दी है, कुछ लोगों ने उसमें अपने घर का कूड़ा भी डाल दिया है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस पर जितने भी कूड़ेदान टूटे हैं, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने बता रखा है अपने कार्मिक को कि इसको जिन जो भी हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। और जहाँ तक रही बात किसी कूड़ेदान में अगर लोगों ने घर का कूड़ा डाल दिया, हम सफाई तो करा रहे हैं, और जो अभी फिलहाल भी अगर है कहीं तो हम निश्चित उसको कराएंगे। लेकिन मेरी अपील है यहाँ की जनता से कि वो कूड़ेदान में घर का कूड़ा ना डालें। वो पर्यटकों के लिए हमने लगाया, वो घर का कूड़ा डालने के लिए घर घर गाड़ी आ रही है, वो आ रहे, हमारे कार्मिक जो लगे हैं, महिलाएं लगी हैं, वो आ रही हैं, तो उनको कूड़ा दें, हमारे वाहन में डालें। और अब कहीं दूर से आ रहे हैं बहुत, उनको अर्जेंट आ गया है, तो कूड़ा घर बने हुए हैं और उस प्रॉपर उसमें डालें। इस कूड़ेदान को रेपर या इस तरह छोटी छोटी चीज़ों में ही यूज करें, पर्यटकों को यूज करने दें। CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।